और कुमार जी का जन्मदिन है, लेकिन आज हम यहाँ पहुँचे हैं भवानीपुर के इलाके में, जहाँ पे सुप्रभात संघ ऑर्गेनाइजिंग टीम के बदौलत श्रद्धांजलि दिया जा रहा है उत्तम कुमार जी को, और उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है किशोर कुमार जी को। तो हमारे संघ है यहाँ सुप्रभात संघ के ऑर्गेनाइजिंग टीम, तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या सोच के उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम का पूरा आयोजन किया। मेरा नाम श्याम मल्लिक, मैं ऑल इंडिया हरिजन मल्लिक महासंघ के उपाध्यक्ष हूँ। आज जो हमारे दुनिया में विख्यात संगीत के बादशाह किशोर कुमार और हमारे अभिनय के शहंशाह उत्तम कुमार जी, उन्हीं के दोनों के उपलक्ष में हम लोग आज ये प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, जिसका नाम है तुम्हारे पूरे छे मुने। ये हमारे बंगला भाषा भाषी का जो हमारे उत्तम कुमार और किशोर कुमार जी है, एक मिसाल है। उत्तम कुमार और किशोर कुमार अपने संगीत के जीवन काल में बहुत सारे गाने गाए हैं, वो चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, उड़िया हो, उड़ीसा हो, कई भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। गाने के अलावा उन्होंने भजन कवालियां भी गाई है, और साथ साथ उन्होंने 80 से 81 फिल्मों में अभिनय भी किया है। ये हमारे बंगाल के लिए बड़ी गर्व की बात है कि एक ऐसा बंगाली जो हम पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में एक बंगाली मिसाल कायम किया, उसी को हम लोग याद करते हुए, स्मरण करते हुए आज ये प्रोग्राम का हम लोग अपने दिल में बसाए हैं उसको, इसलिए वो प्रोग्राम का आयोजन हम लोग किए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी देख पा रहे होंगे कि आज पूरा जो मंच है वो किस तरीके से रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में ये स्टार्ट भी होने वाली है और लोगों की भीड़ भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग ये सुप्रभात संघ की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर है, आप लोगों के बदौलत इतना अच्छा प्रोग्राम का तो आयोजन किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने जिस तरीके इतने दिनों सोचा था कि इस तरीके का प्रोग्राम आप लोग आयोजन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे उत्तम कुमार जी को और उनका जन्मदिन बनाएंगे किशोर कुमार को, आज वो दिन घड़ी अभी वो स्टार्ट होने वाला है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा, और हम लोग गर्वित हैं कि हम लोग इस बंगाल की माटी में जन्म लिए हैं, जिस माटी में हमारे स्वर्गीय किशोर कुमार जी ने जन्मा है और हमारे महानायक उत्तम कुमार जी ने भी जन्म लिया है। और देखिए, आज किशोर कुमार जी का 88वां जन्मदिन उपलक्ष्य है, लेकिन फिर भी हम लोग 24 जुलाई को उत्तम कुमार जी का मृत्यु दिवस है, इसलिए जो उन दोनों का ही आस्मरणीय करते हुए हम लोग अपने क्लब के तरफ से, सभी सदस्यों के तरफ से, हम लोग ने सोचा कि एक संगीत कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से बंगाल का माटी का नाम किशोर कुमार और उत्तम कुमार ने चलचित्र जगत में किया है, ये हम लोग के अपने आप में गौरव की बात है कि बंगाल को अपने विश्व के एक अलग स्तर पर ले गए हैं और हम लोग के लिए सम्मानीय पद के लिए व्यवधान किए हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी इतनी अच्छी सोच है कि आपको उन दोनों महारथियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित करना है, तो ये बहुत काबिल तारीफ है। तो हमारे साथ एक और हमारे सुप्रभात संघ के ऑर्गेनाइजिंग टीम मैम है, तो आप अपने बारे में जरा बताइए कि मैं क्या बोलूँगा उनके लिए। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि इन लोग तो लीजेंड है दोनों अपने आप में। मेरे आज यहाँ पर म्यूजिक टीम आएंगे, उनका श्रद्धांजलि के लिए कुछ गाना पेश किया जाएगा, कुछ आदमी को इंटरटेन करने के लिए। उन्हीं लोग का ऊपर याद में आज हम लोग का श्रद्धांजलि लिखा है, तो माए पोड़े छे मोने, उन्हीं लोग का ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, उन्हीं लोग का ही गाने के ऊपर आज पूरा श्रद्धांजलि होगा। मेरे सुरांजलि म्यूजिकल टीम से मैं बैंड लीडर हूँ सुरांजलि म्यूजिकल टीम का, और मैं खुद ए भाई लोग का मेरा दोस्त है, इन लोग को लेके ही हमें प्रोग्राम को आयोजित किए हैं। ए इन हाउस प्रोग्राम है, कोई रकम का हम लोग कोई बेनिफिटेड फंक्शन नहीं है, ये पूरा अपना ऑन इसमें प्रोग्राम हो रहा है। जितना तक हो
कि हम लोग इनको पढ़ा का आदमी को एकजुट कर सके, ये दोनों आर्टिस्ट का बारे में हम समझा सके, जितना ग्रूमिंग कर सकते हैं, दैट्स ऑल। जैसे कि आपने पूरे प्रोग्राम के बारे में बताया कि किस तरीके से आप लोग स्वरांजलि के ग्रुप के आएंगे, आप बैंड भी आप प्ले करेंगे, तो आप हमारे दर्शक जरूर जाना चाहेंगे आपके बारे में, आप अपने बारे में जरा कुछ बताइए। मेरे बचपन के साथी हैं श्याम मल्लिक जी, मैं उनका संग छोटे से पला बड़ा हूँ, और उनके बाद मैं उनका संग में ही जो भी उनका कार्यक्रम होता है मेरे को खुद को बुलाते हैं और उनका संग मैं रहता हूँ। उनका संग जुट एक जुट के कंधे पे कंधा मिला के एक काम हो रहा है। वो सोशल ऑर्गेनाइजर हैं, वो हम लोग का यहाँ पर बहुत सारे सोशल काम करते हैं। संतोष भाई मेरे वो छोटे भाई हैं, यहाँ का हम लोग को एक टोटल ग्रुप माने एक बहुत ही वेल माने वेलफेयर बोल सकते हैं इसको, हम लोग वही हिसाब से ही प्रोग्राम तो कर रहे हैं। इसमें हम लोग जी जान से जितने तक हो रहे हैं अपने तरफ से श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। और क्या बोलूँ मैं, मेरा बैंड भी वही हिसाब से ही आ रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए। आज यहाँ पर श्रावणी दी है, अरुण सेन जी हैं, पोलास सेन गुप्त हैं, सुरंजलि म्यूजिकल ट्रूप में जितेन कलवानी जी गाएंगे, बहुत ही मशहूर कलाकार लोग गाएंगे, राजेश बोल के हैं, सलीम साहब बोल के एक डांसर है मशहूर, वो भी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, देखा जाए। और आप लोग का सहयोगिता से जितना तक हम लोग ऊपर वाला भी अभी सहयोगिता करे तो हम लोग ये प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दोनों महारथी किशोर कुमार जी और उत्तम कुमार जी का बहुत ही उनका योगदान था हमारे देश में, भारत को, भारत में संगीत नृत्य नाटक इसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कल्चरल ट्रेडिशंस, ये हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, वो यही सभी चीज़ हमें बढ़ाना चाहिए। और इन दोनों जो लेजेंड्स हैं एंड ये जो लेजेंड्स है, इन लेजेंड्स की वजह से हमारा जो संस्कृति है वो और उभर के आया। तो हमारे साथ इस टीम के एक और मेंबर हैं जो सुप्रभात संघा के मतलब ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हैं, और जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि स्वरांजलि ये जो म्यूजिकल की ट्रूप भी आज आएगी, आज यहाँ परफॉर्म करने वाली, और कई सारी महारथी यहाँ पे आज परफॉर्म करने वाले। सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम फीलिंग गुड दैट वी आर एबल टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम। वी आर रियली हैप्पी टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम ड्यू टू वी आर फ्रॉम हियर फ्रॉम बंगाल, so we are ready to support all these things and we are really happy to organize such a good program and all our troops are ready now. You can see that it's getting ready and our stage is also getting ready, the technicians also are there, so we are very proud. We are feeling actually very proud that we can organize this type of program. So I think we are trying our level best to do this. So as you have said that you are trying your level best so that you can put up a great show, and you really want that people to enjoy, not only enjoy, they should respect it, they should enjoy the mood, the songs, the amazing traditions which since so many years it is being carried on forward, like on and on and on. So I would like to personally ask you, how do you feel by listening the songs and also watching the acting of both the legendary actors and the singers, whatever we call, because they are like near God, because in their work. So what would you like to say to our viewers? Actually they will feel very happy to organize this and we will feel so good to listen this type of music of our legends. They are really near to our God, they are like God only. So we are listening this music from past years, from many days, from since childhood. So we are very happy and I will also definitely enjoy. I want that the performer also enjoying and the guest, they are coming, they should also enjoy it. तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आई रियली प्रे कि आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो। लेकिन तो दोस्तों हमारे साथ और भी टीम मेंबर है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है जो आज की प्रोग्राम तुम्हारे पौड़े चे मोने। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से फील करें। देखो किशोर कुमार बा उत्तम कुमार बांगाली जीवन एक মানে অন্য জিনিস, ওটা মানে ভাষায় বলে বোঝানো যাবে না যে উত্তম কুমার কি কিশোর কুমার কি। তা কিশোর কুমারের যে আমরা
যখন ছোট ছিলাম তখনও কিশোর কুমারের গান শুনেছি, আজকের আমাদের ছেলে টেলেরা তারাও কিশোর কুমারের গান শুনছে। মানে এটা যুগ 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 ধরে চলে যাবে, যতদিন বাংলা ইন্ডাস্ট্রি থাকবে, বাঙালি থাকবে, সারা গান থাকবে, ততদিন কিশোর কুমার থাকবে, উত্তম কুমার থাকবে। উত্তম কিশোর কুমার যতদিন পৃথিবী থাকবে, গান থাকবে, ততদিন উত্তম কুমার কিন্তু থাকবেই বা কিশোর কুমার থাকবেই। আপনি অভিনয় বলুন, কিশোর কুমারের অভিনয় বলুন, কমেডি বলুন, গান বলুন, সমস্ত কিছু, এভরিথিং ওনার মতো, আশা করি ওনার মতো আর কেউ হবে না, কিশোর কুমার কিশোর কুমার আর কি। তো জেসা কি আপ আপনি বতায়া কি আপ ইউ আর দ্য বিগেস্ট ফ্যান, আপ বহুত বড়ে ফ্যান হ্যায় দোনোঁ মহারথীকে, তো আপ জরা সা কুছ দো লাইন সুনা দে কিশোর কুমার কি কে গীত। দেখুন আমরা তো বেসুরা, আমরা গান নেই, গান যো গানা আগার আপ শুনতে হ্যায় তো বেসুরা কি বাতই নেই, কিউকি আপ আমরা তো বেসুরা, আমরা অর্গানাইজ করতে ভালোবাসি, কিন্তু আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান শুনবো, বাথরুমে দান গান শুনবো, কিন্তু আরে দর্শক আপনি দো লাইন জোর শুননা চাহেঙ্গে আপকো গানা পড়ে। আমি আমি আমার একদম আসে না গান, সরি আপনি বহুত হি বখুবি সে গানা গায়া। তো দোস্ত জেসা কি মে আপ সবি কো বতা দু কি জিস তরিকে সে ইয়াহাঁ পে লোগো কি ভিড় উমড়না স্টার্ট হো চুকি হ্যায়, লোগো কি ভিড় থা বহুত হি তাদাদ মে, ক্যুঁকি এসে প্রোগ্রাম ভবানীপুর কে ইলাকে মে শায়দ হুই না হো, ক্যুঁকি জিস তরিকে সে দোনোঁ মহারথিও কো শ্রদ্ধাঞ্জলি আজ অর্পিত কিয়া যা রহা হ্যায়, উনকে গানো কো দোহরায়া যা রহা হ্যায়, ইয়াহাঁ পে পারফরমেন্সেস ভি হ্যায়, বহুত আচ্ছে আচ্ছে কলাকার আজ গানে ওয়ালে হ্যায়, তো আজ ইয়াহাঁ কে লোগ বহুত হি এক্সাইটেড হ্যায়, ক্যুঁকি হর প্রকার কে লোগ আজ আপনে পুরানে জমানে কে গানো কো সুননে কে লিয়ে দৌড়ে চলে আ রহে, ক্যুঁকি উনহে ভি ये दोनों महारथी की का कलाकार जिस तरीके से इनकी एक्टिंग, इनका जो संगीत प्रदर्शन करने का तरीका था वो बहुत ही अलग और अलग हट के था, तो आज इस तरीके से लोग सब उमड़ पड़े हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपको बता दिया कि आज जो प्रोग्राम होने वाला है तो माय पोरेचे मोने जो सुप्रभात संघ की जो पूरी टीम है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो हमारे साथ है उस टीम के कुछ टीम टीम मेंबर जो ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी मेंबर्स हैं, तो आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे महसूस हो रहा है कि आज वो दिन आ गया है जो आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज ये प्रोग्राम में आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे दोनों महारथी को, तो आपको क्या मैं कहना है इस बारे में। আমার খুব ভালো লাগছে সবাইকে নিয়ে থাকি, এই প্রোগ্রাম যদি প্রত্যেক বছর হয় আমার খুব ভালো লাগে। একই আমাদেরও খুব ভালো লাগছে যে অনেকদিন পর একটা নতুন প্রোগ্রাম হচ্ছে, ভালো লাগছে। তো আপু কেসা, তো স্যার আপু কেসা লাগ রা কি জিস তরিকে সে আপনি অর্গানাইজ কি, আপ যেহেতু কমিটি মেম্বার, তো আপু কে লাগে লোক কিস হদ তক পছন্দ আয়েগা আচ্ছা কার্যক্রম। সবসে বড়ি বাত ইয়ে কি সুপ্রভাত সংঘ ক্লাব কো যে অর্গানাইজ কিয়া গিয়া হ্যায়, পশ্চিম বঙ্গাল কা যে হামারা যে মাটি হ্যায়, ইস মাটি মে উত্তম কুমার জি মহানায়ক যে ইতনা বড়া যে জন্ম যে ইয়াঁ সে উঠে হ্যায়, কিশোর কুমার ভি পশ্চিম হামারা ইস মাটি পশ্চিম বঙ্গাল মাটি সে, তো ইয়ে হাম লোগ কো বহুত আগে আর 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 ভি পাঁচ 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 দশ সাল আগে করনে সে আর ভি হাম লোগ কো বহুত গর্ব কি বাত হোতি, পর ঠিক হ্যায় হামনে এ চিজ আগে হামনে সমঝা হ্যায় কি কিশোর কুমার কি আজ ইয়াদে মে আজ যে আমলোক প্রোগ্রাম তো লিয়ে হ্যায় কি পর হামলোক এসা মহসুস হো রা কি অঞ্চল মে ইস তরহ ভিড় হোগা কি হামলোক সম্ভাল নাই পায়েঙ্গে, কাহে পহলি বার এসা প্রোগ্রাম হামারা ইয়াঁ পর লিয়া গিয়া হ্যায় হামারা সন্তোষ শর্মা জি যে সুপ্রভাত সংঘ ক্লাব কে তরফ সে, কিন্তু হামলোক কো বহুত আশা হ্যায় কি বহুত ভিড় হোগে ইস মঞ্চ মে আজ। चलिए जो जिस तरीके से आप आशा कर रहे हैं मैं भी ये आशा करता हूँ कि लोगों की जो आशा है कि आज का प्रोग्राम देख के वो जितने भी जितने दिनों से इंतजार कर रहे थे अच्छे से गानों को सुनने के लिए आज उनकी वो आज उनका सपना पूरा होगा। लेकिन तो सर मैं आपसे एक मिनट, तो संतोष जी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप जो अपने समाज का जो संस्कृति जो जो समाज की जो ट्रेडिशंस है जो कल्चर है उसे आप बचा के रखने चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपकी जो सोच है कि आप इस तरीके कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते हो लोगों तक पहुंचाना चाहते हो ताकि कि लोग अपने समाज और संस्कृति से जुड़े रहें, तो उसी तरह ही हमारा जो चैनल है साहित्य टाइम्स वो उसका भी मानना है उसका भी कर्तव्य ये हमेशा करता आ रहा है जितने भी प्रोग्राम्स और जितने भी इवेंट्स होते हैं इस कल्चरल बेस्ड और ट्रेडिशंस बेस्ड जिससे कि हमारे संस्कार और समाज को एक बढ़ावा मिलता है वो करता आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में जिस तरीके से ये प्रोग्राम को भी आज कवर कर रहा है।
मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद जानना चाहता हूँ जो चैनल की कि आप लोगों ने उत्साह से हमारे टीम के सभी सदस्यों का उत्साह बढ़ाया है और भारतवर्ष सब समय संस्कृति और सभ्यता के लिए पूरा विश्व में अलग पहचान और अलग छाप छोड़ रखा है। आप इसमें हर धर्म के आदमी जुड़े हैं, हर जाति के आदमी जुड़े हैं, फिर भी पूरे भारतवर्ष में एक भारतवर्ष अपना वर्ल्ड में पूरे विश्व में एक अलग छवि पहचान बनाए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग आप लोगों के उत्साह से आगामी आने वाले सालों में आने वाली पीढ़ियों को आने वाले नस्लों में ये जो किशोर कुमार जी का जो गीत है हमेशा गुनगुनाता रहे, बजता रहे और हमारे भारत माता का नाम सर्वश्रेष्ठ पूरा विश्व में पहुंचाया जिया जाए। तो आपने बिल्कुल बड़े अच्छे से कहा कि भारत माता का जो नाम है वो और चारों तरफ पूरी दुनिया विश्व भर में फैले। तो जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि आज की स्टेज पूरी सज चुकी है, जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो सभी अपने अपने सेट अपने अपने पे मतलब अपने अपने जगह पे सब मतलब पहुंच चुके हैं क्योंकि एवरीवन इज रेडी एंड एवरीवन इज वेटिंग कि ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हो। तो हम भी आशा करते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम हम हमेशा आपको दिखाते रहें। सो फॉर मोर रिपोर्ट यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर मोर प्रोग्राम्स टू शो ऑन योर प्रोग्राम्स। यू कैन कॉन्टैक्ट साहित्य टाइम्स विद कैमरा पर्सन रोशन झा, अंकित शाह, साहित्य टाइम्स। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमारे साथ है 71 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट बबलू सिंह जी। ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये जिस तरीके के जितने प्रोग्राम्स है ये इनमें सपोर्ट करते हैं और उनकी दिलचस्पी है कि लोगों तक इस तरीके के कार्यक्रम पहुँचे और लोग इसे इंजॉय करें। तो आपको कैसा लग रहा है कि जिस तरीके से सुप्रभात संघा की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने इतना अच्छा कार्यक्रम को आयोजित किया है और लोगों की भीड़ काफ़ी तादाद में उमड़ी है, तो आपको कैसा क्या कहना है हमारे दर्शकों को? सुप्रभात संघ के तरफ से जो ये किया गया है उन लोगों को कार्यकर्ता लोग को हम लोग टीएमसी के तरफ से अभिनंदन जनाते हैं। और ये जब से माँ माटी मानुष सरकार आया है हर एक पाड़ा में इसी तरीके का कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है। लड़का लोग यंग जो कार्यकर्ता लोग हैं खूब उत्साह के साथ ये सब प्रोग्राम करते हैं। इसके कुछ दिन आगे में रफीक साहब का जन्मदिन था, उसमें भी हम लोगों का इन्हीं लोग ने अच्छा प्रोग्राम किया था कला मंदिर में। तो इसी तरीका से हम लोगों का मतलब जो युवा लोग का एक आदर्श था वो ख़त्म हो गया था कुछ दिन पहले। तो ये ममता बनर्जी माननीय ममता बनर्जी जी चीफ मिनिस्टर होने के बाद में ये सब हर एक मोहल्ला में हर एक पाड़ा में देखिए गए ये सब कल्चरल प्रोग्राम का खेल वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट ये हर एक पाड़ा पाड़ा में हमारे वार्ड में तो विशेष करके खूब काफ़ी चल रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से कला मंदिर में मोहम्मद रफ़ी साहब का मनाया गया था तो उस तरीके से हमारे साहित्य टाइम्स के चैनल भी उसे कवर किया था और आज की इस इतने अच्छे कार्यक्रम को भी कवर कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे साहित्य टाइम्स के बारे में कि वो उसका मानना है कि अपने समाज को जोड़े रखना? साहित्य चैनल जो है एक बहुत ही सुंदर चैनल है, ये हर एक कार्यक्रम में आप लोग सहयोगिता करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसा प्रोग्राम में आप लोग यंग लड़का लोग को सहायता कीजिए, इससे और भी सब खुशी हो गए, इससे आप लोगों को भी आनंद मिलेगा, दर्शक लोग जो देखेंगे टीवी उन लोगों को भी आनंद मिलेगा। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से आपकी सोच है कि लोगों में एक बदलाव लाने का हमारे समाज में वो काबिलियत तारीफ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की जो शाम है वो रंग चुकी है और लोगों की भीड़ मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत उमड़ चुकी है, तो आइए देखते हैं कि आज का प्रोग्राम किस तरीके से होने वाला है। विद कैमरा पर्सन रोशन झा, अंकित शाह, साहित्य टाइम। संघ जरा আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তোমায় পড়েছে মনে, অমর শিল্পী কিশোর কুমার যার জন্মদিন আজকে সারা বাংলা জুড়ে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হচ্ছে, তার এই জন্মদিনকে পালন করা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন আগেই আমরা মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মদিবস মৃত্যু দিবস তাকে শ্রদ্ধা স্মরণ করেছি। তাই সব কিছু মিলিয়ে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান, আমাদের মধ্যে শ্যামদা রয়েছেন, শ্যাম মল্লিক, মল্লিক সমাজের সর্বভারতীয় সহসভাপতি, এবং সন্তোষ রয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, তাদের উদ্যোগে আজকের এই অনুষ্ঠান। এবং অবশ্যই সমস্ত অনুষ্ঠানের পিছনে একজন কারিগর থাকেন যার ডাকে এখানে দৌড়ে আসা, শ্যামদা রয়েছেন। সুরঞ্জলি মিউজিক্যাল ট্রুপ আপনারা দেখছেন, মিউজিক অ্যারেঞ্জড বাই সুরঞ্জলি মিউজিক্যাল ট্রুপ, যারা সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে দিলে এই অনুষ্ঠানটা করা সম্ভব হতো না। তাই শ্যামদা, শ্যামকুমার দাস আমার বড় দাদা যার ডাকে ছুটে আসা, শরীর ভালো নেই বলছিলাম একটু আগে, কিন্তু তারপরেও শ্যামদার ডাক ছাড়তে এড়ানো যাবে না, তাই জন্য ছুটে আসা। আর অবশ্যই আপনারা যারা উপস্থিত রয়েছেন, যারা সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, যারা উপস্থিত থেকে
সহযোগিতা করে অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং আপনারা সকলে মিলে আসুন আজকের একটা জমজমাট সন্ধ্যা আমরা সবাই মিলে সুরে সুরে মেতে থাকি, সপ্ত সুরের ঝর্ণাধারায় আমরা সকলে মিলে মেতে থাকবো। তবে অবশ্যই একেবারে শুরুতে আপনাদের কাছে আরও একবার একবার শুরুতে জোরে করতালে চাইব সবার জন্য, শ্যাম মল্লিক থেকে শুরু করে সন্তোষদা থেকে সন্তোষ থেকে শুরু করে বন্ধু সন্তোষ শ্যামদা থেকে শুরু করে এবং যারা রয়েছেন সবাই মিলে আপনাদের জন্য ধন্যবাদ সকলকে জানিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করব। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী অরুণ সেন মহাশয়, তাকে ডেকে নেব মঞ্চে এবং যার সঙ্গে সুরে সুরে মেতে থাকা বেশ কিছুক্ষণ অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ যিনি কিশোর কুমার সঙ্গে যিনি পারফরমেন্স করেছেন, যাকে সঙ্গে পাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমাদের আজকে, তার সঙ্গে আমরা মেতে থাকবো। অবশ্যই আপনাদের সকলের জোরে করতালির মধ্যে দিয়ে অরুণদাকে মঞ্চে ডেকে নেব। আরও একবার আমরা সেই শোনার সুযোগ পেয়েছি সুরঞ্জলি মিউজিক্যাল ট্রুপকে ধন্যবাদ জানিয়ে। আমরা আসুন সরাসরি গানে যাই এবং আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় নেতা, আমাদের সকলের সুখ দুঃখের সাথী মদন মিত্র মহাশয় রওনা দিয়েছেন, তিনি খবর দিয়েছেন তিনি নবান্ন থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজে রয়েছেন, তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন, তাকে আমরা বরণ করে দেবো। তবে তার আগে আসুন আমরা গানে গানে মেতে থাকি, সময় অত্যন্ত নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময় নিয়ম মেনে আমাদেরকে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে, তাই ইচ্ছা থাকলে অনেক গান হয়তো শোনা হবে না, আগামী বছর আবার হবে, এই প্রতিশ্রুতি নিয়েই আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করবো। অরুণবাবু এসে গেছেন মঞ্চে, একবার জোরে করতালি হোক সবাই মিলে অরুণবাবুর জন্য। আর আসুন আমরা সবাই মিলে সুরে সুরে গানে গানে মেতে থাকি আজকে তোমায় পড়েছে মনে আজকের এই সন্ধ্যায়। ধন্যবাদ আজকের এই এত সুন্দর অনুষ্ঠান পরিবেশন করার জন্যে। সর্বপ্রথম জানাব সুপ্রভাত সংঘকে অভিনন্দন, যারা আমাদের এখানে নিয়ে এসছেন, এত সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন। তো আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে আজকে যার জন্যে এই অনুষ্ঠান, শিল্পী স্বর্গীয় শিল্পী কিশোর কুমারের আজকে জন্মদিন উপলক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে আজকের এই অনুষ্ঠান। তো চলুন, এবং তার সঙ্গে আমাদের মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি। তুমি কি শুনছো
Oh,
খুব ভালো গান, স্বর্গীয় শিল্পী কিশোর কুমারের গাওয়া। Yeah.
ऐसे कितने बाकी छोड़ के একটু মান্তুদাকে ডাকবো, মান্তুদা একবার এসো প্লিজ বলছি। আমরা আমাদের শিল্পীকে বরণ করে নেবো আমাদের আজকের এই সন্ধ্যায়, অরুণবাবুকে একবার বরণ করে নেবা, মান্তুদা রয়েছেন। মান্তুদাকে সুন্দরদা এসো না, আসলে যে কথা শ্যামদা বলছিলেন যে সঙ্গীত অনুষ্ঠান চলবে, এরকম শিল্পী হয়তো আজকে আমাদের অরুণবাবুকে ব্যাচ এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেবো। মান্তুদাকে অনুরোধ জানাবো ব্যাচটা পড়ি দেওয়ার জন্য।